हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, स्पेशली कई सारे पेशेंट्स मेरे से अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं और कई सारे आप लोगों के कमेंट्स भी आए हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब, आज की डेट में जब हम अप्रैल 2024 में ये वीडियो बना रहे हैं, आज की डेट में चश्मा हटाने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन चूज करें, कंट्यूरा चूज करें कि सिल्क चूज करें। आप ही की वीडियो से हमने कंट्यूरा के बारे में भी समझा, आप ही की वीडियो से हमने सिल्क के बारे में भी समझा, तो फाइनली इन दोनों में से चूज कौन सा करना है। देखिए, कंट्यूरा विजन जो टेक्नोलॉजी है चश्मा हटाने की, ये एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें विजन की क्वालिटी आती है, सुपर विजन पेशेंट्स को मिलता है और पेशेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश एंड सैटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन कंट्यूरा ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इस ऑपरेशन में, जैसे ये ऑपरेशन आंख की पुतली पर करा जाता है, काली पुतली या कॉर्निया पे ये लेजर वाले ऑपरेशन होते हैं, कंट्यूरा वाला भी और सिल्क वाला भी। तो जब हम कंट्यूरा का ऑपरेशन करते हैं तो हम पुतली पर एक फ्लैप बनाते हैं, 22 मिलीमीटर का एक कट लगाते हैं, उस फ्लैप को उठाते हैं, लेजर को डालते हैं और उस फ्लैप को वापस रख देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जितना मर्जी कर लो, ये जो फ्लैप हमने काली पुतली पर बनाया, ये कभी भी 100% सील नहीं होता। और जो भी पेशेंट्स कंट्यूरा ऑपरेशन कराते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आंख में जोर से चोट ना लग जाए, किसी का पंच ना लग जाए, बॉल ना लग गई, क्रिकेट बॉल फुटबॉल ना लग गई, किसी की उंगली नहीं लग गई, बहुत जोर से मल नहीं लिया। क्योंकि अगर इस तरह की चोट आंख में लगती है तो ये जो कंट्यूरा ऑपरेशन में हम लोग फ्लैप बनाते हैं, ये अपनी जगह से हिल जाता है या हट जाता है, और जैसे ये फ्लैप हिल गया, आपकी नज़र धुंधली हो गई और ख़राब हो गई। फिर इसको हॉस्पिटल में आके ठीक कराना पड़ता है, और ठीक कराने के बाद जो विजन की रिकवरी में करीब 15-20 दिन लग जाते हैं नज़र को दोबारा साफ होने में। तो ऑफकोर्स ठीक तो हो जाती है, लेकिन 15-20 दिन पेशेंट के खराब हो गए, और स्पेशली जब वो पेशेंट कहीं बाहर से आ रहे हैं या इंटरनेशनल है, अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, या कोई पेशेंट घूमने गया था, वेकेशन गया था, गोवा गया था, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट करा, बीच स्पोर्ट्स कर रहे थे, वाटर स्पोर्ट्स कर रहे थे, आंख में चोट लग गई, फ्लैप हिल गया, सारी ट्रिप खराब हो गई और आगे के 15-20 दिन भी खराब हो गए। तो ये जो फ्लैप वाली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सिल्क में नहीं है, क्योंकि सिल्क एक फ्लैप लेस प्रोसीजर है। तो सिल्क पेशेंट्स में ये टेंशन नहीं होती और पूरी लाइफ आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता, जबकि कंट्यूरा पेशेंट्स में एक छोटा सा रिस्क रहता है, एक छोटी सी लटकती हुई तलवार है कि किसी दिन चोट लग गई आंख में तो एक बड़ी प्रॉब्लम आपने अपने लिए खड़ी कर ली। ऐसा ही एक पेशेंट मेरे पास कल ही आए थे, 4 साल पहले पेशेंट ने कंट्यूरा कराया, वो अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा खेल रहे थे और उस बच्चे की उंगली पेशेंट की मदर की आंख में लग गई, और जो उनका फ्लैप हमने 4 साल पहले बनाया था वो अपनी जगह से हट गया। तो मैं आपको इस वीडियो में वो वाली वीडियो भी दिखाने वाला हूँ कि जब चोट लगती है तो कैसे फ्लैप हट जाता है और फिर उसे हमें दोबारा उसको ठीक करना पड़ता है। हो जाएगा ठीक, 15-20 दिन, 1 महीने उस पेशेंट की नज़र दोबारा नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन 1 महीना तो खराब हो गया ना। और अगर हमारे पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम सेम क्वालिटी, जो कंट्यूरा में क्वालिटी आती है, वही क्वालिटी हम आपको सिल्क में दे सकते हैं बिना किसी फ्लैप वाली कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम्स के लिए, तो आज की डेट में मेरी प्रेफरेंस सिल्क हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पेशेंट्स का सिल्क हो जाएगा, अभी भी कुछ ऐसे पेशेंट्स मिलेंगे जिनके लिए कंट्यूरा करना ज़्यादा एडवांटेजियस है,
तो वो जब आपका डॉक्टर आपसे मिलेगा, वो आपको समझाएगा कि आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांटेजियस या बेटर होगी। लेकिन 90% 100 में से 90% लोगों का हम लोग आज की डेट में सिल्क ऑपरेशन से चश्मा हटा सकते हैं, उसी क्वालिटी हाई क्वालिटी सुपरविजन दे सकते हैं जो कंट्यूरा में आती थी। और अब हमारी जो फ्लैप वाली प्रॉब्लम थी, जो कंट्यूरा पेशेंट्स को पूरी लाइफ अपनी आंख का ध्यान रखना पड़ता था, बचा के रखना पड़ता था, वो वाली प्रॉब्लम सिल्क में खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ जो सिल्क में ड्राई आईज बनती है, जो एक मेजर साइड इफेक्ट है इन सब ऑपरेशंस का, कि ऑपरेशन के बाद आंख में सूखापन आता है, वो सिल्क पेशेंट्स में काफ़ी कम बनती है कंपेयर टू कंट्यूरा। तो सिल्क पेशेंट्स की जो रिहैबिलिटेशन है वो भी फास्टर है कंपेयर टू कंट्यूरा। देखिए, हमें ये सिंपल सी बात समझनी है कि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो हमें एक टेक्नोलॉजी को पकड़ के नहीं बैठना। कल ऐसा भी दिन आएगा जब सिल्क से भी बेटर कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, तो हम अपने पेशेंट्स को उस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज देंगे। आज की डेट में 2024 में अगर कोई मेरे से पूछता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी से हटाऊं और सारी रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मल आ रही हैं, तो मेरी प्रेफरेंस आज की डेट में सिल्क ऑपरेशन है। और अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं कि कैसे चोट लगने से कंट्यूरा का फ्लैप हिल सकता है और फिर कैसे उसको ठीक करके पेशेंट की नज़र को दोबारा साफ करा जाता है।